भीलवाड़ा के बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट हो गया और सभी मरीजों को कृष्णा और रामस्नेही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहीं आग की सूचना मिलते ही कलेक्टर शिव प्रसाद समेत पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा मौके पर पहुंची और हालात की जानकारी दी और इस दौरान दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच जारी है। चार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अस्पताल में आग लगने की, अफरा तफरी का माहौल। उसके बाद मरीजों को बचाया गया, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तीसरी तस्वीर है प्रशासन मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। और चौथी तस्वीर जब आग पर काबू पा लिया गया। अमूमन जब इस प्रकार के हालात बनते हैं तो परिस्थितियां कुछ और होती हैं, तनाव का माहौल भी हो जाता है। किस तरीके से पूरी स्थिति से निपटा जाए, ये कहीं ना कहीं ऐसे हालातों में बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे में प्रशासन वहां पर मौजूद था, प्रशासन वहां पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। लगातार जिस प्रकार से मरीजों को वहां से बचाया गया, साथ ही उनके जो तीमारदार थे उन्हें वहां से अलग पहुंचाया गया, ये बड़ी चुनौती थी। आग तो लग गई, लेकिन अब किस तरीके से परिस्थिति जो पूरी है उसको संभालना है, इसमें प्रशासन की बड़ी भूमिका रही है। जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा मौके पर पहुंची, पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला। शॉर्ट सर्किट से हल्का सा धुआं लगा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सभी पेशेंट्स को अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और सीएमएचओ साहब की टीम उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में मॉनिटर कर रही है। और आग ऐसी चीज़ कभी सामने नहीं आई है, केवल धुआं जरूर हुआ है, उस पर भी नियंत्रण पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड या सैनिटाइजर, सारी जैसी सारी चीज़ें इस परिसर से निकाल दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। योगेश, किस तरीके से पूरे हालात को काबू में किया गया? अमूमन जब इस प्रकार की जो हालात होते हैं तो उस समय चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं, और हॉस्पिटल था तो मरीजों को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रशासन की भी। ब्रजेश मांगड़ जो भीलवाड़ा का नामी अस्पताल है, सुबह उसमें थोड़ा धुआं निकलता हुआ नजर आया। जैसे ही प्रशासन को मालूम, हॉस्पिटल प्रशासन को मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत दमकल को बुलाया। इसी समय तुरंत जो पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा हैं प्रीति चंद्रा है, उनको पता चला और वो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। और पुलिस की और प्रशासन की और हॉस्पिटल प्रशासन की समझदारी से सारे जो वहां पर जो मरीज भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे, वार्ड में भर्ती थे, उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया गया और किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो समय जो काम किया, उन्होंने काबिले तारीफ काम किया। पुलिस प्रशासन की जो समझदारी थी, बहुत ही अच्छी समझदारी थी। मनीषा, योगेश, देखिए प्रशासन की समझदारी तो बहुत जरूरी होती है और वही यहाँ पर देखने को भी मिली है। फिलहाल और अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे, जब ये आग लगी कितने समय बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा और पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो संभाला? आग लगने के कुछ ही मिनटों बाद प्रशासन वहां पहुंच गया था। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा वहां पहुंच गई थी और कलेक्टर शिव प्रकाश हम नकाते पहुंच गए थे, सीएमएचओ पहुंच गए थे, स्थानीय जो थाना था सुभाष नगर थाना अधिकारी पहुंच गए थे। सबकी सूझबूझ से ये काम बहुत जल्दी अब इसको पूरा कर लिया गया है। सारे मरीजों को आनंद फानंद में जो अफरा तफरी मची हुई थी उसमें भी समझदारी का परिचय देते हुए सभी मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। जी मनीषा, योगेश, देखिए दो हॉस्पिटल्स के नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं जहां पर मरीजों को शिफ्ट किया गया है। 52 मरीज ये थे। क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से इलाज बांगड़ हॉस्पिटल में हो रहा था उसी गंभीरता के साथ इलाज हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है इसका असर मरीजों पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जो दो हॉस्पिटलों के नाम सामने आ रहे हैं, कृष्णा हॉस्पिटल है, रामस्नेही अस्पताल है, दोनों में ही वहाँ मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। और जिस प्रकार यहाँ इलाज हो रहा था, उनका जो आईसीयू के पेशेंट थे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जो जनरल वार्ड के पेशेंट थे उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और वहाँ पूरा सीएमएचओ मुश्ताक खान खुद वहाँ पहुंचे और पूरी तरह से इलाज की जानकारी ली, व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उनका प्रॉपर इलाज दोनों अस्पतालों में चल रहा है। जी योगेश, देखिए अब तो कारण भी निकलकर सामने आ गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग की जो घटना है वो सामने आई। हॉस्पिटल के सभी जो मरीज थे, जो उनके तीमारदार हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहा उन्हें अलग शिफ्ट करना? हालांकि प्रशासन वहां पर पहुंचा और प्रशासन की जिम्मेदारी और सूझबूझ के चलते ही
कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो आग पर भी काबू पाया गया और साथ ही जो हालात वहां पर बने गए थे उनसे निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद था। अस्पताल की जो तीसरी मंजिल है के पास में आईसीयू के पास में शॉर्ट सर्किट के कारण जो ये आग लगी थी, आग इतनी अचानक जो आग लगी थी उसकी जानकारी तुरंत मिलने के कारण बहुत बड़ा हादसा बच गया। वहां पर प्रशासन ने जो सैनिटाइजर के सामान जो थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ थे तुरंत हॉस्पिटल के बाहर निकाले, इस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और इसी समय जो अपने जो पेशेंट वहां भर्ती थे उनके परिजनों में बहुत तनाव माहौल था, बहुत तनावपूर्ण था, बहुत टेंशन थी कि अब हमारे मरीजों का क्या होगा, आईसीयू में भर्ती मरीजों का क्या होगा, जो सीरियस मरीज थे उनका क्या होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उनको तुरंत ही निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है, जिससे उन्हें राहत की सांस ली। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, प्रशासन की सूझबूझ और सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं बड़ा जो हादसा था वो टल गया, क्योंकि प्रशासन वहां पर मौके पर तुरंत ही पहुंचा और उसके बाद हालात को काबू में पाने की हर संभव कोशिश की। सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी, जो मरीज वहां पर हैं उन्हें अलग शिफ्ट करना बड़ी चुनौती थी, उन्हें अलग शिफ्ट किया गया सही समय पर ताकि किसी प्रकार की कोई हानि वहां पर ना हो, कोई जनहानि का जो केस है वहां से सामने ना आए।